स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय धारिता और गुप्त ऊष्मा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट को समझेंगे। पहले हम देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी से मतलब उस हीट से है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम आती है। यहां पे बॉडी की हमें साइज से मतलब नहीं है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता कहलाएगी। तो जो हीट कैपेसिटी है वो बॉडी के मैटर पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। यदि किसी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने में हमें उतनी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और यदि किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी कम है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में हमें कम हीट की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये मतलब हुआ कि हीट कैपेसिटी बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, और बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो कुछ भी हीट लगेगी वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता कहलाएगी। तो यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ी डेल क्यू, और टेम्परेचर राइज हुआ है डेल टी, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, और इसकी यूनिट है जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती। स्पेसिफिक हीट उस हीट की क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी। यानी कि किसी भी बॉडी का हमें यूनिट मास लेना है, बॉडी की साइज कुछ भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, ज्यादा हो, कम हो, इससे मतलब नहीं है। यहां पर मतलब है बॉडी जिस मटेरियल की भी बनी है उस मटेरियल का हम यूनिट मास लेंगे। 1 ग्राम मास लिया आपने मान लीजिए, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो कुछ भी हीट एनर्जी लगेगी वो उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कहलाती है, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो स्पेसिफिक हीट को पूरी बॉडी के मास या बॉडी के शेप से, वेट से मतलब नहीं है। स्पेसिफिक हीट से हमको मतलब होता है यूनिट मास से। मान लीजिए 1 ग्राम मास लिया आपने, अब बॉडी बड़ी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो, तो मटेरियल का 1 ग्राम मास लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो कुछ भी हीट खर्च होगी, जो कुछ भी ऊष्मा खर्च होगी वो उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। कोई बॉडी जिसका मास है एम और उसमें यदि डेल क्यू हीट सप्लाई की जाए और टेम्परेचर राइज होता है डेल टी, तो डेल क्यू जो है वो एम के प्रोपोर्शनल होगा और डेल क्यू डेल टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मिला देंगे हम इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल टी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट है सी, तो डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल टी, और सी है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट दी जाएगी सी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम डेल टी, और स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या अंतर होता है। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो किसी बॉडी के यूनिट मास का यानी 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगेगी, वो स्पेसिफिक हीट होगी। हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता से मतलब है पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो कुछ भी हीट लगेगी वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। स्पेसिफिक हीट बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती, जबकि हीट कैपेसिटी बॉडी के मास पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी बॉडी के यूनिट मास को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के काम आती है,
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहां दो तीन चीजें आप ध्यान देनी पड़ेगी, कोई भी बॉडी का यूनिट मास है पहली चीज, दूसरा हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी सब्सटेंस के यूनिट मास को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए काम आती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान पर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यदि हीट सप्लाइड है डेल क्यू, बॉडी का मास है एम, तो डेल क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आएगा वो है एल, तो डेल क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल जो कॉन्स्टेंट है वो है लेटेंट हीट और इसकी यूनिट होती है जूल। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस हीट का अमाउंट है जो किसी लिक्विड के यूनिट मास को वेपर में बदलने के काम आती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में किसी लिक्विड के यूनिट मास को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी हीट लगेगी वो कहलाएगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 22.5 क्रॉस 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। अब स्टीम से होने वाली जलन बॉइलिंग वाटर से होने वाली जलन के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होती है? तो स्टीम से होने वाली जलन बॉइलिंग वाटर से होने वाली जलन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, हालांकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो भाप से होने वाली जलन स्टीम से होने वाली जलन ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट भी होती है जो कि बॉइलिंग वाटर के पास नहीं होती। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हमारा मतलब होता है वो हीट जो यूनिट मास के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगी, यानी कि यहां सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो सॉलिड के यूनिट मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी हीट लगेगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। लेकिन फिर कंडीशन है टेम्परेचर होना चाहिए कॉन्स्टेंट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है, बर्फ का लेटेंट हीट होती है 3.34 क्रॉस 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से काफी ज्यादा होती है, क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि जब सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इस कारण से हमको ज्यादा हीट लगेगी। ऐसे ही जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम में बहुत कम इंक्रीज होता है, नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से काफी ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में क्या अंतर है। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो यूनिट मास को, एक ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में काम आती है, जबकि लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है, हीट की वो एनर्जी होती है जो क्या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी जब फेज चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो स्पेसिफिक हीट को फेज चेंज से कोई मतलब नहीं होता, जबकि लेटेंट हीट जो है वो फेज चेंज पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर बढ़ता है जबकि लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वाटर को हीटिंग और कूलिंग एजेंट के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि पानी या वाटर का हीट कैपेसिटी
बहुत ज्यादा होती है और वो काफी ज्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए हम लोग पानी को हीटिंग और कूलिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। थर्मामीटर का बल्ब की हीट कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा या कम? तो जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए? वो थर्मामीटर द्वारा मेजर किए जाने वाले मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो। यानी कि थर्मामीटर यदि आपने 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करने के लिए बनाया है तो जो बल्ब है उसकी हीट कैपेसिटी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए, 120 से 130 हो सकती है। यदि 500 डिग्री सेल्सियस तक का थर्मामीटर है तो बल्ब की 540 550 हो सकती है। तो जो बल्ब होता है उसकी हीट कैपेसिटी थर्मामीटर द्वारा नापे जाने वाले टेम्परेचर से ज्यादा होनी चाहिए। जो शहर समुद्र तट के पास होते हैं, सी कोस्ट के पास होते हैं, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो समुद्र को ठंडा करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में हमको हीट की जरूरत पड़ेगी। और हमको ये भी मालूम है कि जो हीट है वो वार्मर एरिया से कूलर एरिया की तरफ बहती है, इसीलिए जो शहर सी कोस्ट के पास होते हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, यानी कि करीब करीब उसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट ही बना रहता है। तो इस वीडियो में हमने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।